गीतांजलि। यस सर। ये कर्म अकर्म विकर्म के एक एक एग्जाम्पल दो। किसी को नहीं समझ में आ रहा है। मनोती, यस सर। हाँ, कर्म अकर्म विकर्म के एग्जाम्पल्स, एक एक एग्जाम्पल। कर्म का एग्जांपल सर कि कुछ भी लाइक कोई पढ़ना भी हूँ अभी कर। पढ़ना तो मैंने बताया, कोई और एग्जाम्पल किसी और का? जैसे विद्यार्थी के लिए पढ़ना कर्म है, तो हाँ जी, और किसी का एग्जाम्पल बताओ। जैसे सर, जैसे कि किसी टीचर का कर्म होता है पढ़ाना, गीतांजलि। किसने बताया? तो पहले क्यों नहीं बताया जब तुम्हारे बोलने की बारी थी? तो सॉरी सर, मैं अभी ज्वाइन नहीं थी सर। कोई बात नहीं। चलो, अब अकर्म का कौन बताएगा? शिक्षक क्या नहीं करेगा तो वो अकर्म हो जाएगा उसके लिए। अगर पढ़ाना उसका कर्म है, तो अगर वो नहीं पढ़ाएगा तो वो अकर्म होगा ना। यस सर। और विकर्म, पढ़ाने के बजाय क्या करेगा तो विकर्म हो जाएगा। खिलाना। क्या? सर, पढ़ाने की जगह पर खेल करवा दें, जैसे खेलने लेके चले गए क्लास के वक्त। या अपने अपना घर का कुछ काम करवा लिया, कुछ गलत करवा लिया है ना, इस तरह का कुछ किया तो वो विकर्म हो गया शिक्षक के लिए। अब ये बताओ, पहले सब लोगों को तीनों चीज क्लियर हुई तो आगे बढ़े। जी अब सर। किसको नहीं समझ में यस आया? सर, हो गई। अब कोई कोई है जिनको समझ में ना आया हो? नो सर। तो आगे चलते हैं। अब आगे भी श्लोक जो है ना, उसका अर्थ आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन चर्चा करोगे, अच्छे से सुनोगे, तभी क्लियर होगा वो, है ना, वरना फिर कोई फायदा नहीं उसका। अभी 18वें अध्याय में लिखा है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तीन गुण का सत्व रज तम। तो इसी प्रकार से पहले मैं श्लोक का अर्थ पढ़ता हूँ, फिर उसकी हम चर्चा करेंगे। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो, तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। अब हमें सबको मिलके इसको इजी बनाना है। तो सबसे पहले तो कौन बताएगा कि शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्म क्या होता है? कोई भी बोल सकते हैं, योग वाले। हाँ, जो भी कर्म है जो शास्त्रों में लिखे गए हैं बहुत उनको बढ़िया, फॉलो करके कर्म करना। बहुत बढ़िया। अब यहाँ है ना, चर्चा हम ये कर सकते हैं कि किसको हम शास्त्र कहेंगे। कोई बताओ। चलो, जैसे अब चार्वाक दर्शन है, उसने तो कहा कि आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, खाओ पियो, इड़म कित्वा घृतम पिबेत और मोज करो। तो क्या वो शास्त्र है, चार्वाक का दर्शन? उसकी भी किताब तो है ही, तो उसको शास्त्र कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कोई बताओ। हाँ सर कहेंगे, पर वो उसमें राजसिक वाले उनको फॉलो करना पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये जो राजसिक वाले हैं, या जिनको मतलब आधुनिक
समय में उसी तरह का चिंतन देखने को तो मिलता है, भले वो चार्वाक का नाम भी ना जानते हो लेकिन फॉलो तो उसी को कर रहे हैं, है ना। लेकिन हमें यहाँ पर शास्त्र में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई हैं, किसी ने किसी को शास्त्र माना है, किसी ने उसको माना है कि नहीं ये गलत शास्त्र है, तो इस तरह की अलग अलग बातें हैं। फिर हमारे हिंदू धर्म के अलावा भी कुछ ग्रंथ है, तो उसको हम लोग क्यों शास्त्र मानेंगे, पर उसमें भी कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी है। तो यहाँ पर हम इतना कर सकते हैं कि एक तो भगवद गीता है जो शास्त्र में सबको स्वीकार्य है, लगभग किसी ने भी हमारे हिंदू धर्म में भगवद गीता का विरोध नहीं किया होगा। है कोई ऐसा लेखक किसी के ध्यान में, हमारे प्राचीन कोई ऐसे टीकाकार जिन्होंने भगवद गीता को नकार दिया हो या गलत बताया हो, किसी के नो ध्यान में सर। नहीं है ना। तो भगवद गीता जैसे जो भी शास्त्र है, हमारे वेद है, उसी में से उपनिषद निकले हैं, उपनिषद में से ही ये भगवद गीता निकला है, तो इस तरह से हम वेद, उपनिषद, भगवद गीता, इस तरह के जो हमारे योग के जितने भी शास्त्र है उनको हम शास्त्र के अंतर्गत ले सकते हैं, उनके अनुसार चल सकते हैं। जिन लोगों का इन शास्त्रों में विरोध किया गया है, जैसे चार्वाक का विरोध, जो भी समय समय में महान पुरुष लोग आए, महान लोग आए जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, उन्होंने वहां पर स्पष्ट रूप से कहा है कि ये चार्वाक जैसे लोगों ने ही इन सब चीजों का गलत अर्थ निकाला है और वो सही नहीं है। तो भले ही चार्वाक पुराना है, आज के समय के अनुसार देखें तो वो तो काफी सदियों पहले चार्वाक दर्शन आया था, पर फिर भी उसको न मानने की एक बात आती है कि उसको शास्त्र नहीं मानना चाहिए। तो ऐसे बहुत रेयर शास्त्र होंगे जिनको नहीं मानना चाहिए, बाकी लगभग लगभग सभी शास्त्र में एक जैसा ही लिखा है, जो उपनिषदों में लिखा है वही गीता में लिखा है, वही वेदों में लिखा है। तो हमें क्या करना चाहिए वो मेन, तो बाकी जो पूजा विधि है, दूसरी सब चीजें लिखी है, वो अगर ना भी मानो आप, पर जो आपको कर्म करना चाहिए उसके बारे में जो लिखा हुआ है, यहाँ हम क्योंकि केवल कर्म की बात कर रहे हैं, तो कर्म हमें वो करने चाहिए जो हमारे शास्त्र में लिखे गए हैं कि आपको ये कर्म, मनुष्य का ये कर्तव्य है, मनुष्य का ये कर्म होना चाहिए, ऐसा लिखा है, उसको हम शास्त्र विधि से नियत हुआ मानेंगे। तो शास्त्र विधि से नियत हुआ में किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि भगवत गीता तो है, इंटरनेट में भगवत गीता तो है ही, अगर सिर्फ मैं प्रेजेंटेशन दे दूंगा तो उसमें रटने वाले तो रट लेंगे, उनका तो काम बन जाएगा, लेकिन इसका जो मकसद है वो नहीं सोल्व होगा, है ना। ऑनलाइन क्लास में ये फायदा रहता है कि हम लोग चर्चा कर सकते हैं, जिनको भी जो कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं, है ना। दूसरा है कर्तापन के अभिमान से रहित, चलो ये कौन समझाएगा, कर्तापन के अभिमान से रहित, अभी तक जिसने कुछ नहीं बोला है, दीप्ति, सर कर्तापन से रहित कर्म करना मतलब एक होता है, हमने कुछ किया तो हम उसकी ये करते कि हाँ मैंने किया, वो ऐसा नहीं करना। बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि उससे अहंकार आ जाता है कि भाई मैंने किया ऐसा करके, ये अपना कर्तव्य समझ के वो करता है ना। किसी को दान भी दिया तो वो कर्तव्य समझ के करता है कि नहीं मेरा कर्तव्य है मुझे देना चाहिए, तो उसको अभिमान नहीं आता उसमें। क्लियर है सबको? यस अब जो मॉडर्न में बहुत ज्यादा जिसको अपोज किया जाता है, ऐसी बात आ रही है, फल न चाहने वाले, लगभग लगभग सब जगह यही होता है कि पहले फल का चिंतन किया जाता है फिर काम किया जाता है, कि भाई अगर फल नहीं मिलेगा तो काम करने से क्या मतलब। तो समझाओ, चलो गीता सही है या जो आजकल लोग बोलते हैं कि फल तो होना ही चाहिए कुछ ना कुछ, वो सही है, दोनों में से कौन सही है, अपनी बात बताओ। चलो हेलो सर, हाँ विकास बोलो।
हाँ सर, मेरी इसमें ये राय है कि सर जैसे गीता में कहा गया है कि कर्म की अपेक्षा या आशा ना करें, इसमें बिना कर्म की बिना फल की अपेक्षा किए हुए कर्म करते चले जाना सर। और जैसे आज के सर वर्तमान स्थिति में देखा जाए कि हम लोग सोचते हैं कि बिना फल के कैसे कोई कर्म कर लें, तो सर इसमें ये है कि अगर जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, जो फल की इच्छा लेके चलते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, अगर कहीं उस फल को पाने में हम असफल हो जाते हैं तो हमें दुख मिलता है। और सर गीता में उसी के बाद कहा गया है कि आप बिना फल के इच्छा के कर्म करते जाओ, तो इससे सर हमें किसी तरह का दुख या फिर कोई कोई दुख नहीं होगा या कोई दर्द नहीं होगा कोई भी किसी तरीके से। इस तरह के लिए गीता में इसलिए कहा गया है कि बिना फल की चिंता किए कर्म करते चलें। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा समझाया विकास। एक तो हो गया दुख नहीं होगा, इसके अलावा कोई और जोड़ना चाहता है इसमें? सर इसमें ये चीज, एक और चीज हम मान के ये चल सकते हैं कि हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं, अगर वो हम शास्त्रों के हिसाब से कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो काम हम अच्छा कर रहे हैं। और प्लस पॉइंट ये चीज है कि फल की इच्छा ना रखने का मतलब ये नहीं है कि फल हमें मिलेगा नहीं। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका एक ऑप्टिमम रिजल्ट है जो आएगा ही आएगा आगे चल के, तो उसकी चिंता ना करते हुए अगर हम सिर्फ ये चीज करें कि ये जो काम है ये मुझे करना है एट एनी कॉस्ट, तो वो फिर उसके बाद एक सेटिस्फेक्शन हमको अपने आप मिल जाएगा। और फिर हाँ, जैसा कि अभी विकास ने बताया, हमें उसके बाद इफ इन केस हम अनसक्सेसफुल होते हैं तो हमें उसका दुख भी उतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि वहां पे हमने अपना बेस्ट दिया हुआ होता है। बहुत बढ़िया। और कोई ऐड करना यस चाहता है? सर, हाँ यस सर। सर मुझे हमें सर बिना फल के इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर हम कर्म को फल के लिए करेंगे तो हमारे अंदर और इच्छा उत्पन्न होती है और उस इच्छा को ना पूर्ति होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध उत्पन्न होने से और भी बहुत कुछ उत्पन्न होता है। दैट्स व्हाई हमें बहुत कर्म बिना फल के ही करना चाहिए। बहुत अच्छा। ये भी एक गीता में आगे श्लोक आता है कि काम काम से क्रोध उत्पन्न होता है। इच्छा हो गई कि भाई अगर ये करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा, तो उन सब में हमें इच्छा उत्पन्न होने लग जाती है। अगर वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से बुद्धि का नाश होता है, और जिनकी बुद्धि का नाश हो जाए वो विनश्यति, मतलब वो व्यक्ति का विनाश हो जाता है। तो ये धीरे 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 करके विनाश की ओर भी ले जा सकता है। इसलिए एक आधुनिक दृष्टिकोण से देखे तो हो सकता है संपूर्ण रूप से ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई हम कहीं भी कुछ भी काम करें लेकिन कुछ भी फल ना रखे, लेकिन जब भी हमें स्ट्रेस आ रहा है, जब भी हम उसके प्रति बहुत ज्यादा पागल टाइप के हो रहे हैं या उसके पीछे बहुत ज्यादा हम भाग रहे हैं, तब हमें ये चीज को जरूर याद करना चाहिए कि हम ये गलत दिशा में जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए अगर हमने फल की अपेक्षा भी रखी कि भाई छोटी छोटी रोज की बातें हैं कि भाई आज असाइनमेंट पूरा कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा या हमारा काम हो जाएगा, तो वहां छोटी छोटी चीजों में फल की आशा रख भी ली तो मुझे लगता है उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पर बड़ी बड़ी चीजें बहुत लोगों को होती है कि हमें बहुत गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, उससे भी फिर संतोष नहीं होता तो दो गाड़ी चाहिए, तीन गाड़ी चाहिए, इस तरह से वो फल में लगे रहते हैं, तो उनका तो विनाश होना एकदम निश्चित है। तो ये जो जितनी भी फिलोसॉफी है भगवद गीता की, ऐसा नहीं है कि वो आजकल के जमाने में उसका कोई उपयोग नहीं है, बिल्कुल उपयोग है अगर हम उसको अच्छे से समझे। आप सिर्फ श्लोक पढ़ोगे तो कई बार हो सकता है आप उसको नहीं समझ पाओगे ठीक से, है ना। भगवत गीता के बारे में गांधी जी ने कहा है कि 100 बार पढ़ोगे ना तो 100 बार 100वीं बार भी आपको कुछ नया मिलेगा। तो इस तरह से इसकी चर्चा होनी बहुत जरूरी है और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम लोग इसकी चर्चा करें, है ना। तो आपको वो चीजें एकदम अप्लाइड लगेगी, ऐसे लगेगा कि हाँ ये तो हमारे जिंदगी में भी लागू होता है, ये हमारे लिए भी काम की चीज है ना, चाहे विद्यार्थी हो चाहे कोई भी हो। तो आगे है, फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो। अब ये जो राग द्वेष है वो क्या है, चलो समझाओ कोई। सर क्वेश्चन क्या था? लास्ट में जो लिखा है ना, बिना राग द्वेष के किया गया हो वह सात्विक कहा जाता है। फिर राग मतलब कि अटैचमेंट और द्वेष मतलब कि डिटैचमेंट। हेलो,
हाँ हाँ मनोती बोलो, कंटिन्यू करो। हाँ मनोती कंटिन्यू करो। क्या हो गया, म्यूट कर दिया माइक? और कोई कौन बोल रहा था? राग द्वेष क्या है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज को क्या हो गया? हेलो सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस सर। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके। हाँ तो मनोती, तुम राग द्वेष का कुछ बता रही थी। शायद मनोती के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, सर गीतांजलि भी बता रही थी। गीतांजलि बता रही। हाँ तो माइक यस सर। मनोती को ऑन रखा होगा ना, इसलिए वहां दिख रहा था। हाँ बोलो गीतांजलि। जी सर, यहाँ पे राग का मतलब है कि जिन चीजों से हमें सुख मिलता है सर, हम उनके पीछे मतलब पड़ जाते हैं, उनसे हम छूट नहीं पाते हैं। और द्वेष। अब आगे द्वेष सर, मतलब कि सर डिटैचमेंट कि चलो एक एक एग्जाम्पल दो कि राग में किए हुए कर्म का एक एग्जाम्पल दो, और द्वेष के कारण किया हुआ कोई कर्म का एग्जाम्पल दो। कोई मुझे ये बताओ, यहाँ ये राग शब्द लिखा है ना, और हमारे बॉलीवुड के फिल्मों में और सब जगह पर प्रेम को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, विशेष रूप से लड़के लड़कियों के बीच का प्रेम। तो ये राग में और प्रेम में क्या अंतर है, बताओ? कोई बताएगा? सर मैं बताऊं, हाँ मनोती। सर आजकल जो ये रिलेशनशिप्स वगैरह का ट्रेंड है, तो उसमें काफी मतलब जनरेशन जो है आज की, वो अटैचमेंट को ही मतलब प्यार वगैरह मान लेती है, और रिलेशनशिप का या फिर जो प्यार का जो ट्रू मीनिंग है, उसका एसेंस जो है, उसको भूल के काफी सारी एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ जाती है। ऑफ कोर्स जहाँ प्यार होता है वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस नेचुरल होती हैं, पर वो सही नहीं है, क्योंकि वो एट द एंड दुख का कारण बनती ही बनती हैं। तो सर वो चीज़ गलत है थोड़ी, आज के उस पे जो ये है। बहुत बढ़िया। और कोई? सर गौतम बुद्ध जी ने बड़े अच्छे से इस पे एक एग्जाम्पल देके समझाया है। जैसे कोई गुलाब का फूल है, अगर हमें वो उसके साथ हमारे अटैचमेंट है, तो हम चाहेंगे कि हमको ये चाहिए ही कैसे भी करके, तो हम उसके पीछे पड़ जाएंगे। पर अगर हमें उससे प्यार है, तो हम उसका ख्याल रखेंगे, उसको तोड़ेंगे नहीं, उसको मतलब खाद वगैरह पानी वगैरह डालेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत। तो ऐसे ही कि अटैचमेंट में हम कैसे भी करके उसके पीछे भागते रहते, पर जब जब हमें सच में उससे प्यार हो, तो हम उसी का अच्छे से ख्याल रखेंगे, हमें वो मिले या ना मिले। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। और कोई? सर राग का मतलब अशक्ति हो जाना सर, मतलब जैसे कि अगर मेरे पास फोन ना रहे तो हमें दिक्कत आ सकती है सर, मतलब कि फोन के प्रति हम आसक्त हो गए हैं कि बिना फोन के हम रह ही ना सकते, रह ही नहीं सकते। ये भी एकदम रिलेवेंट एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया। और कोई? अभी द्वेष छूट गया है, और कोई? दिव्यानंद, देखो इस क्लास से कोई द्वेष मत रखना, यहाँ लाइव रहना। सर द्वेष वो ही है, राग का ऑपोजिट है, और शत्रुता और जो क्रोध के कारण, उससे एक रिवेंज लेने के कारण जो ये भाव उत्पन्न होता है,
हाँ हम ये चीज नहीं हासिल कर पाए, तो कहीं ना कहीं हम उसको लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो उसके जो उसका जस्ट रिवर्स भाव है राग का। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो लिखा है उसको अगर हम बिना राग द्वेष के किया गया हो, मतलब कि गुरुदेव ने राग के बारे में बहुत अच्छा एक बताया कि प्रेम में से आदर्शों को निकाल दो तो वो राग हो जाता है। मतलब कि कुछ आदर्श होने चाहिए जीवन में, है ना, कि कोई आदर्श नहीं है, सिर्फ बस वो व्यक्ति चाहिए, वो वस्तु चाहिए, है ना, किसी भी तरह से पागलपन टाइप का वो राग है। और उसमें अगर आदर्श हो जाए कि नहीं, व्यक्ति अच्छा लगता है हमें, कोई वस्तु अच्छी लगती है, उसको प्राप्त करने के लिए जो भी निर्दोष प्रयत्न होते हैं वो करते हैं, उसको राग नहीं बोलेंगे। लेकिन उसी के पीछे पड़े रहना, और कोई चीज ना दिमाग में बैठना, और कोई काम ना करना, वो बहुत ज्यादा जब हो जाता है तो वो राग का स्वरूप ले लेता है। तो आदर्श आदर्श के साथ जो प्रेम होता है उसमें कुछ गलत नहीं है। लाइक हमें कोई चीज पसंद है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ पसंद है, कोई व्यक्ति पसंद है, तो वो पसंद होना गलत नहीं है, पर उनके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं तो वो राग है। और इसी तरह से द्वेष है ना, कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं है, कोई वस्तु हमें पसंद नहीं है, क्रोध के कारण जो बताया, या उससे बदला लेने के कारण हम जो भी कर्म करते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो अब मुझे उसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करके हम उसको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो सात्विक कर्म नहीं है। क्लियर सबको? यस सर। दूसरा है, परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस है। यहाँ ये बताओ, बाकी सब तो एकदम क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ बहुत परिश्रम से युक्त ऐसा क्यों लिखा है, कोई बताओ उसका? परिश्रम तो अच्छा है ना, इसको रजस में क्यों लिया गया है? सर जब कुछ पाने की कोई तीव्र इच्छा होती है तो उसके लिए इंसान सब कुछ कर देता है अपना, तो जब वो अपना सारे एफर्ट्स लगा देता है, और वही जिसमें आगे इसमें लिखा हुआ है कि भोगों को चाहने वाला, तो सर उसे ऐसा लगता है। यहाँ पर है ना, क्योंकि संस्कृत शब्द और हिंदी में हमें कई बार कुछ शब्द के हिंदी अर्थ अलग होते हैं और संस्कृत अलग होते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ बहुत परिश्रम मतलब बहुत ज्यादा जो एफर्ट्स करते हैं, या बहुत ज्यादा हम उसके लिए प्रयत्न करते हैं। तो सात्विक कर्म क्या है? कि सात्विक कर्म ऐसा नहीं है कि जिसमें मेहनत ना करनी पड़ो, मेहनत तो करनी पड़ सकती है, पर जो कहते हैं ना कि पागलपन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके पीछे बहुत ज्यादा लग जाना और दूसरा कुछ भी ना दिखना, है ना, वो सात्विक कर्म नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ बहुत परिश्रम शब्द यूज किया है, उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए कि जहां भी मेहनत की जरूरत है वो सब राजसिक है, ऐसा नहीं। सात्विक कर्म है वो स्वाभाविक रूप से होता है ना, उसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की या उसके पीछे एकदम से पागल जैसा हो जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ बहुत परिश्रम शब्द यूज किया है। बाकी सारा तो वही है, भोगों को न चाहने वाले पुरुष, है ना, भोग के लिए नहीं होता वो होता है कि हमारा कर्तव्य है इसलिए हमें करना चाहिए। पढ़ाई अगर हम अपने कर्तव्य के लिए करते हैं तो वो सात्विक है, हमें चाहिए कि नहीं इस पढ़ाई के बाद फिर हमें मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहिए और उसमें हम गाड़ी लेंगे, कार लेंगे, ये सब बंगला लेंगे, इन सब चीजों को भोग को चाहने के लिए हम अगर पढ़ाई करते हैं तो वो हमारी राजसिक पढ़ाई हो गई। और राजस हमारे अंदर होता ही है ना, सब राजस नहीं होता ऐसा नहीं है, इसीलिए तो मनुष्य जन्म मिला है, राजस तो होता ही है, पर बहुत ज्यादा ना हो जाए उसका ध्यान रखना है। और अहंकार का भी हमने देख लिया कि वो मैं कर रहा हूं ऐसा किया जाता है, तो वो राजस कर्म है। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वो तामस है। तामस का उदाहरण दो कोई, चलो। सर बिना सोचे समझे किया जाने वाला कोई भी कर्म,
कुछ भी सोचे समझे बिना सीधे कोई क्रोध कर लिया, क्रोध में कुछ भी कर लिया, किसी के ऊपर हमला कर दिया, किसी को नुकसान कर दिया, किसी का सिर फोड़ दिया, है ना। सर इसका उदाहरण हमें महाभारत में मिल सकता है। किसका? जैसे कौरवों ने अपने ही लालच के लिए कुछ भी बिना सोचे अपने परिवार, ना ही अपने बुजुर्गों और मतलब जो भी उनका खानदान था उसको बिना सोचे हुए सिर्फ अपने बारे में सोच के राज्य प्राप्त करने के लिए पांडवों से लड़ाई करी। जबकि अगर वो सात्विक कर्म पे चलते या राजसिक पे ही चलते तो वो साथ मिलके राज्य बढ़ाने की सोचते। बहुत बढ़िया। श्री कृष्ण ने केवल 5 गांव मांगे थे कि 5 गांव दे दो, तो वो उनकी बलमनसाई थी, वो उनकी उदारता थी, महानता थी कि भाई लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, तो 5 गांव भी मिल जाएंगे तो उसको विकसित करेंगे, उसी में खुश रहेंगे, है ना। क्योंकि क्षत्रिय है और वो भी राजा के ही बेटे थे तो उनको 5 गांव तो मिलने चाहिए, इतना बड़ा साम्राज्य था, और फिर भी वो 5 गांव से खुश हो जाते। वो भी देने के लिए वो तैयार नहीं था, सुई की नोक के बराबर भी वो जमीन देने के लिए तैयार नहीं था, तो वो उसकी अज्ञानता थी इसलिए वो नष्ट हो गया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। तो सात्विक राजसिक एवं तामसिक कर्म में किसी को कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन सर, सर जो कर्म परिणाम न विचार कर एवं फल न चाहने वाले में सर अंतर? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। हाँ जैसे पहले तो हमने कहा कि भाई परिणाम के लिए नहीं करना है कर्म, हमें तो अपना कर्तव्य करके करना है, फिर यहाँ कहा है कि परिणाम की चिंता किए बिना, तो ये विरोधाभास नहीं हो गया? चलो सर जवाब देना चाहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। दोनों का सेंस तो वही निकल रहा है। अंतर तो है लेकिन पहले कोई स्टूडेंट्स अगर ट्राई करे तो। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ कोई स्टूडेंट्स में से कोई जवाब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सर एक बार ये दोबारा प्रश्न ये है कि सात्विक कर्म में हमने कहा कि फल न चाहने वाला, और तामसिक कर्म में कहा कि जो कर्म परिणाम की चिंता किए बिना या परिणाम का विचार किए बिना किया जाता है, तो ये दोनों चीजें एक जैसी नहीं हो गई? जो सात्विक में होना चाहिए वो तामसिक में नहीं होना चाहिए ना, और तामसिक में होना चाहिए वो सात्विक में नहीं होना चाहिए। सर मैं ट्राई करूं? हाँ हाँ बोलो। सर इसमें ये चीज निकल के आती कि जब हम सात्विक कर्म कर रहे होते हैं तो उसके साथ हमारा मतलब वो कुछ पाने का उस तरीके का एकदम पागलपन सा नहीं होता है वहाँ पे, लेकिन जब यहाँ पे बात आती है तामसिक कर्मों में कि वहाँ पर किसी लक्ष्य की प्राप्ति की उम्मीद रखे बिना कर्म करना, तो वहाँ पे ये आलस्य को दर्शाता है कि हम बस अपनी लाइफ में चले जा रहे हैं, आलस आ रहा है, हम कोई भी चीज करना नहीं चाह रहे हैं, हमें पता है कि हमें ये चीज करनी होगी। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि मुझे पढ़ना होगा, मार्क्स आए नहीं आए वो अलग चीज है, पर नॉलेज के लिए मुझे पढ़ना होगा, लेकिन मैं फिर भी नहीं पढ़ रही, तो वो यहाँ पे तामसिक कर्म हो गया। और वहीं पर अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, रिजल्ट की मैं चिंता नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा कर्म है यहाँ पे पढ़ना, तो मैं वो कर रही हूँ, तो ये सात्विक कर्म हो गया। बढ़िया, और कोई? यस सर, सात्विक में जो हम कर्म परिणाम की बात कर रहे हैं वो हम अपने ज्ञान के द्वारा कर रहे हैं, और तामसिक में हम अज्ञान के द्वारा कर रहे हैं सर। अच्छा, और कोई बताना चाह रहा है, वरना फिर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, उससे क्लियर हो जाएगा। और कोई बताना चाह रहा है? चलो अब एक क्वेश्चन का जवाब दो कि परिणाम के पीछे न भागना या परिणाम की चाह न रखना, क्या इसका मतलब ये हुआ कि इसका पॉसिबल परिणाम क्या आ सकता है उसका विचार भी न करना? विचार करने में भी गुनाही है क्या? नो सर। बहुत बढ़िया, जो विद्वान व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, वो उसको ये तो पता है कि उसका परिणाम क्या आ सकता है ना, साधारण रूप से इसका परिणाम क्या आ सकता है,
लेकिन सिर्फ परिणाम के लिए वो नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सोचा भी नहीं है कि इसका क्या परिणाम आ सकता है। भाई हम पढ़ाई करेंगे तो हमें पता है कि भाई हमें इससे मार्क्स अच्छे आएंगे, डिग्री मिलेगी, तो वो हमें पता है, पर हम मार्क्स के पीछे इतने पागल हो रहे हैं कि और कोई चीज हम अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं, हम जो हमें करना चाहिए वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और सिर्फ मार्क्स के पीछे भागे जा रहे हैं। तो वहां क्या एक भाव आ गया और यहाँ केवल विचार आया है। तो विचार करना गलत नहीं है, अगर विचार भी नहीं करते हो, बिना सोचे समझे कुछ कर लेते हो तो वो तामसिक हो गया, और सोच समझ के कर रहे हो लेकिन सिर्फ फल के लिए नहीं कर रहे हो, अपना कर्तव्य समझ के कर रहे हो तो वो सात्विक हो गया। क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट। अब उसका परिणाम बताया गया है, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल है, भले आप चाह नहीं रहे हो उसके लिए, लेकिन एक निश्चित है, जो पहले बात हुई थी ना कि आना ही आना है, तो उसका फल अच्छा ही आएगा। आप अपना कर्तव्य समझ के बिना अभिमान से काम करते हो तो उससे सुख आएगा ही आएगा, उससे ज्ञान में आपका बढ़ोतरी होगी ही होगी, और वैराग्य आदि निर्मल फल। वैराग्य आएगा का क्या मतलब, चलो बताओ। श्रेष्ठ कर्म से वैराग्य आएगा का क्या मतलब? सर जो अच्छे कर्म करता है उसके साथ प्रॉस्पेरिटी चलती है, जैसे कि कर्म अच्छा किया गया हो तो लोग उसका साथ देते हैं, उसका वैराग्य बढ़ता है, वैराग्य में जैसे उसको ज्ञान की वृद्धि होती है, जो उसकी स्वास्थ्य रहता है वो भी अच्छा रहता है, उसको पता रहता है कि उसको क्या अच्छे कर्म करने क्या नहीं। और कोई? यस सर। हाँ सर, अच्छे कर्मों से वैराग्य आएगा, मतलब जैसे जैसे हम लोग अच्छे कर्म करते जाएंगे हमारे अंदर से इच्छाओं का नाश होता जाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे वैराग्य आएगा। और हम इसे राज्य में कहा था ना। हाँ बोलो बोलो। विषयों के प्रति हमारी सर तृष्णा वगैरह नहीं रह जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विषयों के विषय में यहाँ वैराग्य का मतलब जंगल में जाने की इच्छा होगी ऐसा नहीं, विषयों के प्रति। बहुत बढ़िया। और कोई? जैसे वहां पर कहा था ना कि राजस में भोग भोगने की इच्छा होती है, तो यहाँ भोगों से वैराग्य हो जाएगा, है ना। वो एक अच्छा फल माना गया है कि आपके पास है भोगने के लिए लेकिन आप उसी में लिप्त नहीं है, आपको सुख तो मिलेगा लेकिन उसके पीछे आप इतने पागल नहीं हो रहे हैं कि आप अपना कर्तव्य भूल जा रहे हैं, तो यहाँ वैराग्य का मतलब वो हुआ। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सर हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे कि मोह की जगह स्नेह का भाव उत्पन्न होने लगेगा। बहुत बढ़िया। स्नेह शब्द एकदम यहाँ सही है और मोह शब्द है वो वैराग्य का एकदम ऑपोजिट है। बहुत बढ़िया। राजस कर्म का फल दुख है, अगर भोग वगैरह रहेगा तो वो दुख आएगा, और ये भी मान के चलना चाहिए कि जब जब हम दुखी होते हैं ना तो समझ लो कि कहीं ना कहीं हम हमारे अंदर रजस ज्यादा है या रजस के कारण ये दुख आया है, है ना। वरना तो ऐसी सृष्टि बनाई है भगवान ने कि आपकी परिस्थिति दूसरे लोगों को दिखेगी कि ये तो बहुत दुखी है, लेकिन आप बिल्कुल दुखी नहीं होंगे उसमें। कोई भी परिस्थिति आ जाए अगर सात्विकता पूरी बनी रहती है तो वो दुख नहीं आएगा, लेकिन जो फल के पीछे भागा है, भोग के पीछे भागा है, उसको तो दुख आना ही आना है। अभी शायद हो सकता है उसको सुख आए लेकिन आगे जाके उसका फल मिलेगा तब दुख आना ही आना है। और तामस कर्म का फल अज्ञान, उसे क्लियर ही नहीं होगा कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे मुझे आगे बढ़ना चाहिए, वो अज्ञान में ही रहेगा, वो क्लियर ही नहीं होगा उसको। सर हाँ बोलो।
सर कंप्लीट डिटैचमेंट की जो स्टेट होती है उसमें कर्म कैसे होते हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो हम ये वर्ल्डली प्लेजर्स वगैरह इन सब से अटैच तो है ही, कैसे कैसे करके हमारा लेना देना है, तो हम डिटैचमेंट की स्टेट में कैसे कर्म होंगे फिर? डिटैचमेंट की स्टेज में कैसे कर्म होंगे? ओके, देखो एक चीज, पहला तो मैं अगर मॉडर्न लाइफ की बात करूं या हमारे जो साधारण लोग जिनको कहते हैं उनकी अगर हम बात करें तो हमारे अंदर एकदम रजस नहीं रहेगा, ऐसा भी बहुत पॉसिबल नहीं है, या कह सकते हैं कि वो बहुत मुश्किल है, एकदम तमस हट जाएगा ऐसा भी बहुत मुश्किल है, तो थोड़ा रजस रहता है, थोड़ी सी कुछ छोटे छोटी चीजों को भोगने की इच्छा होती है, भोग के पीछे हम बहुत ज्यादा पागल नहीं हो रहे हैं, है ना भाई, काम वासना सबके अंदर होती है, लेकिन ये जो बलात्कारी है ना, या जो भ्रष्टाचारी है, उन लोगों को ये सब कामनाएं बहुत ज्यादा है। तो डिटैचमेंट का मतलब क्या है कि हम कर तो रहे हैं, हमें पता है कि भाई हमें ये कोर्स करने से डिग्री मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई ये हमारा कर्म है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो हम उसको अपना कर्तव्य समझ के कर रहे हैं, तो वहां डिटैच नहीं होंगे हम। जबकि कोई व्यक्ति सिर्फ ये सोच के चल रहा है कि नहीं इससे तो मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, मैं भोग भोगूंगा, है ना, तो वो उसका वो राजस कर्म हो गया, वो भी पढ़ाई कर रहा है और सात्विक व्यक्ति भी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन दोनों में अंतर ये हो गया कि एक व्यक्ति डिटैचमेंट के साथ पढ़ाई कर रहा है, उसके अंदर इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो गया है, अटैच नहीं हो गया है कि इसके अलावा उसको कुछ दिखता ही ना हो, जबकि ये व्यक्ति है वो भी पढ़ाई कर रहा है लेकिन वो अपने कर्तव्यों को भूल कर एक पागलपन की तरह उस कर्म को करता है, तो दोनों में ये अंतर है। कोई और अच्छे से समझाओ उस चीज को कि भाई डिटैचमेंट में कैसे कर्म होते हैं। जहां राग नहीं है वहां पर कर्म कैसे होते हैं? सर जहां पर राग नहीं है वहां पर कर्म ऐसे होते हैं, सर हम कह सकते हैं कि मुझे मुझे सामने कोई इंसान दिख रहा है, मेरा उससे कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, वो परेशानी में है, तो सिर्फ एक इंसानियत के नाते, इंसानियत के कर्म के नाते मैं वहां पे उसकी अगर मदद कर सकती हूँ तो मैं करूँगी, वहां मुझे उससे बदले में कुछ नहीं चाहिए। बदले में, बदले की भावना नहीं है कि मुझे, मैं आज इसको मदद करूंगा वो कल मुझे मदद करेगा, ऐसा नहीं, भाई मेरा कर्तव्य है इसलिए मुझे मदद करनी चाहिए, है ना। बहुत बढ़िया, सत्व रज तम के ऊपर है ना जो भी थियोरी से, उसको और जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे ना तो और ज्यादा क्लियर होता जाएगा, एकदम स्पष्ट अंतर हो जाएगा, वरना क्या है तीनों के बीच में एकदम पतली सी रेखा है, तप भी रजस हो सकता है, यज्ञ भी रजस हो सकता है ना, तप यज्ञ जैसी चीजें दान वो सब भी तमस हो सकते हैं, तो जो चीज हमें लगती है कि नहीं ये तो सात्विक ही होगी तो जरूरी नहीं है, उसके पीछे का भाव क्या है वो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर भाव अपना खराब है तो वो सत्व नहीं हो सकता, भले ही वो तप हो यज्ञ हो दान हो, पर वो रज या तम हो जाएगा। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। ओके, क्या टाइम हुआ? 4:15। निषिद्ध कामी और नियत कर्म भी बताए गए हैं गीता में, निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित है, जो मतलब निषिद्ध मतलब जो नहीं करने चाहिए वो, और काम्य मतलब अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए हम जो करते हैं उसको, तो वो दोनों चीजों को तो हमें निषिद्ध मतलब वहां विकर्म जो शब्द यूज किया था वही, कि जो मना किया गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो निषिद्ध कर्म है शास्त्रों में जो बताया गया है। काम्य कर्म मतलब अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो रजस कर्म होता है भोग भोगने के लिए, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा जाता है, कि कोई ये सोचे कि नहीं अब तो मुझे किसी भी प्रकार के कोई कर्म नहीं करने है ना, तो वो एक्चुअली वैराग्य नहीं है, वो तो तामस त्याग है, बिना सोचे समझे उसने सब चीजों का त्याग कर दिया, जो आपका डेली कर्म है, जो रूटीन कर्म है जिसको नियत कर्म बोलते हैं, जैसे यज्ञ है दान है, वो कुछ चीजें हमें हमारे डेली लाइफ में उसको महत्व देना चाहिए, उसको स्थान देना चाहिए, वो नियत कर्म है,
तो नियत कर्म का त्याग कभी भी नहीं होता है ना। आगे आएगा कि वो योग से कैसे रिलेटेड है और योगियों के लिए क्या नियत कर्म है और दूसरे जो है सन्यासी है उनके लिए क्या नियत कर्म है, उसकी भी बात आएगी। पर यहाँ आज इतना ही ध्यान रखना है कि जो नहीं करने लायक कर्म है उसको छोड़ना जरूरी है। काम्य कर्मों को हम बिल्कुल नहीं छोड़ पाते हैं, पर फिर भी काम्य कर्म अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो भी दुख बढ़ेगा, इसलिए काम्य कर्मों को भी छोड़ा जा सकता है, पर नियत कर्मों को छोड़ा नहीं जा सकता है। जो रोज बरोज के नियत कर्म है जो आपको करने चाहिए उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो नियत कर्मों की कल हम अच्छे से चर्चा करेंगे। आज पहले किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। सर क्वेश्चन तो नहीं है पर 4:15 से सर मनमा थेरेपी की क्लास जरूर है। हाँ बस इसीलिए मैं खत्म ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो कल इसी तरह देखो सब लोगों का इंटरेक्शन में भाग लेना जरूरी है ना। ऑनलाइन क्लास का तभी फायदा है, और ये हम यूट्यूब में भी अपलोड करेंगे तो और लोगों को भी ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ भाई स्टूडेंट्स भी इसमें चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए एक्टिव होकर इसमें पार्टिसिपेट करो। ठीक है, शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर भवतु। अब आप लोग क्विट कर सकते हो। सर मेरी और गीतांजलि प्लीज। हाँ भाई, जिन्होंने अटेंडेंस नहीं दी थी वो दे दो। विभूति आ गया सर। हाँ सर, राधा। हाँ ओके, दुर्गेश आया नहीं, गीतांजलि आ गई। ठीक, मनोती आ गई। मुस्कान नहीं, दीप्ति आ गई। ठीक है, एब्सेंट में केवल एक टुब्रा है आज और दुर्गेश एब्सेंट है। ये अनमोल भोला तो कोई भी को क्लास नहीं करता होगा ना ऑनलाइन? योग नहीं करती, लड़की है वो सर। उसको तो कोई क्लास नहीं करनी है ना? नो सर। ओके, क्योंकि मुझे लगा ऑनलाइन है तो शायद उसको क्लास करने के लिए बोला गया होगा। कोई बात नहीं, चलो है ना, वो तो फिर यूनिवर्सिटी जो भी तय करेगी। ठीक है, आप लोग ट्वीट कर सकते हो। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम।